अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आबाद रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह की रहमतों और नेमतों से हमेशा सजे रहें और उनमें बरकत पड़ती रहे। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर रेसिपी आपके घर तक आसानी तक पहुँच सके और आप उसको देख सकें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लब सैंडविच, जो कि बच्चों का, बड़ों का, सबका बड़ा फेवरेट है और नाश्ते में भी अगर या लंच बॉक्स में दिया जाए तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बहुत हेल्दी होता है। इसमें हर चीज़ हमने चाहिए छोटी छोटी करके डाल देंगे तो बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। मैंने 2 बॉयल एग्स लिए हैं और छोटी सी गाजर ली है, शिमला मिर्च है और खीरा है एक, और बंद गोभी है। तो ये मेयोनीज़ मैंने ली है। मेयोनीज़ में काली मिर्च और नमक शामिल करके इसको अच्छे तरीके से यकजान कर रही हूँ। तो अब जितनी भी वेजिटेबल मैंने कद्दूकश की हुई थी उन सारियों को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अगर चाहें तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन कद्दूकश की हों तो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ ना अच्छे तरीके से गले मिल लेती और उनकी मिलाप अच्छा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये गाजर मैंने डाली है, फिर उसके बाद मैंने बंद गोभी डाली है और ये मैंने खीरा एक डाला है और खीरे का पानी निचोड़ लिया था मैंने। ये मैंने बस चिकन टिक्का पड़ा हुआ था उसको भी मैंने श्रेड करके इसमें शामिल कर दिया है। तो और ये एक खीरा था इसको भी बारीक करके मैंने इसी तरह डाल दिया। और जो बॉयल एग्स हैं, एग्स बाकी चीज़ें जो अपनी मर्ज़ी से आपको फेवरेट हो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने तो मीडियम सारी चीज़ों को मिक्स किया है और इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें ताकि ये यकजान हो जाए और ये बिल्कुल ऐसे लगें कि एक ही फैमिली की तरह इकट्ठी नज़र आए, अलग अलग ना नज़र आए। ये देखें, जब ये सारे मिक्स हो गए हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो इनकी देखिए कंडीशन अब कैसी है, कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह अगर हम भी प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें फैमिलीज़ में तो ऐसे ही हमारी होल्ड रहता है सारी फैमिली में। तो ये मायो गार्लिक थोड़ी सी मैं ऊपर शामिल कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ भी मेरी ठीक नहीं है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे और आप सबको भी, जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और किसी के सदके हमें भी दे। तो ये ब्रेड के ऊपर मैंने ब्रेड के किनारे काट के इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से सारा मटेरियल लगा के, तो उसको मैंने, अगर आप बड़ा काटना चाहें तो बड़े पीसीस ले लें, छोटे काटना चाहें तो छोटे काट लें, तो जैसे आप पसंद करें आप वैसे काट लें। तो मैं तो किनारे काट देती हूँ क्योंकि किनारे ज़ाया नहीं जाते, वो ब्रेड क्रम्स वगैरह में काम आ जाते हैं क्योंकि बच्चे फिर पसंद नहीं करते। इस तरह इनकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है और फिर बीच में सेंटर से, क्योंकि मैंने ब्रेड बड़ी ली थी फिर मैंने बाद में इसके चार चार पीसीस भी कर दिए थे, तो फिर बच्चे इजीली खा लेते हैं जितना पीस उन्हें चाहिए होता है। तो कुछ लोग इसको सेक भी लेते हैं तवे पे और लेकिन मैंने नहीं सेका क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई पान में हल्का सा गर्म करके ग्रिल कर सकते हैं इनको, लेकिन ऐसे भी ये बहुत अच्छा जायका लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत ज़रा ठीक हो तो फिर मैं मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँगी आपके लिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।